और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। सपा कार्यालय पर अहम बैठक हुई है। बैठक में अखिलेश यादव ने पार्टी प्रवक्ताओं को बड़े निर्देश दिए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के एजेंडे से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और संभल कर प्रतिक्रिया देने की बात कही है। अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और पीडीए को लेकर जमकर अपने विचार कार्यकर्ताओं के बीच रखे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एजेंडे के बजाय महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा की जाए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता इसीलिए मंदिर मस्जिद का राग छेड़ रहे हैं ताकि जनता को भरमाया जा सके। आपको बता दें कि बीजेपी के बनाए जा रहे फर्जी मुद्दों से जनता को बचाना है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अहम बैठक हुई है और इस बैठक में पार्टी प्रवक्ताओं को अखिलेश यादव ने कड़े और बड़े निर्देश दिए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के एजेंडे से सतर्क रहकर प्रतिक्रिया देने की बात कही है और कार्यकर्ताओं को संभल कर हर मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए कहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और पीडीए को लेकर अपने विचार हम रख रहे हैं और इन विचारों पर आपको अमल करते हुए आगे बढ़ना है। हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी अपना माहौल बनाने की कोशिश में है और इस कोशिश को नाकाम करने की कोशिश में समाजवादी पार्टी है और इसी के चलते समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को सख्त दिशा निर्देश दिए और कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए। जनता के मूल मुद्दे क्या है उन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी जो काम कर रही है, जो एजेंडा चला रही है, हमें उस एजेंडे में नहीं उलझना है और बीजेपी की हर कोशिश को नाकाम करते जाना है। लखनऊ पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ सपा चीफ बातचीत कर रहे थे और इस बातचीत में अखिलेश यादव ने एक के बाद एक तमाम मुद्दों पर अपनी राय दी और बीजेपी के हर राग को बेकार करने का प्लान साझा किया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, वो जनता से जाकर उन मुद्दों पर चर्चा कर सके, बात कर सके और इसीलिए फर्जी मुकदमे और फर्जी मुद्दे बनाकर जनता को भरमाने की कोशिश में बीजेपी है, लेकिन बीजेपी की हर कोशिश को नाकाम करना हमारी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की तरफ से बनाए जा रहे फर्जी मुद्दों से जनता को बचाना है और हकीकत क्या है उससे जनता को रूबरू करवाना है और इसके लिए अभी से काम करना होगा। तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और मीटिंग में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने दिशा निर्देश जारी करते हुए सख्त लहजे में कहा कि जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं इन हालातों को नाकाम करना है, बीजेपी के हर कोशिश को हमें नाकाम करना है और अपनी तरीके से आवाम के बीच में जाना है और अपनी रणनीतियां बतानी है, अपना विजन बताना है और इसके अलावा पुरानी समाजवादी सरकार में क्या क्या विकास कार्य हुए, क्या अच्छे कार्य हुए उनके बारे में भी जानकारी देनी है।